नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो आप लोगों के सामने दिखाया था जिसमें एक अहूजा SPA 500 वाट का एम्पलीफायर जो है उसका फिल्टर कैपेसिटर जो है उसे हमने चेंज किया था, और एक हमने ड्राइवर बोर्ड में एक यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर चेंज किया था। तो दोस्तों, ये दूसरा मशीन है और इसमें मैं आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा कि एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था पहले कि 100K के जगह पे अगर हम 10K लगाएंगे तो सर काम करेगी या नहीं करेगी वॉल्यूम में। तो 100K के जगह पर हम कौन सा वॉल्यूम लगाएंगे, और इस एम्पलीफायर में यहाँ का जो टर्मिनल है ये टूटा हुआ है सॉकेट, तो इसे भी हमें चेंज करना है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक जुगाड़ू, इसका जो मेन तार है दोस्तों यहाँ पर कट चुका था। तो यहाँ पर ऐसी गलती आपको नहीं करना है, एल्युमिनियम तार से यहाँ पे इसे बाइंडिंग किया गया है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। इस जगह पे आप ब्लैक टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी तीनों वॉल्यूम जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है यहाँ पे, और ये टूट चुका है अंदर से। अब पता नहीं अंदर में इसकी कनेक्शन टूटी है या फिर ये इसका जो नट होता है वो ढीला है, वो तो खोलने के बाद पता चलेगी मुझे। तो इसमें हम आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताएँगे कि 100K का जो वॉल्यूम होता है उसमें हम अगर 10K का वॉल्यूम लगाएंगे तो क्या होगा, काम करेगी या नहीं करेगी। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको डायग्राम सहित आपको बताऊंगा कि अगर काम करेगी तो कैसे करेगी और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसमें सारे कैबिनेट हमने खोल लिया है, इसका जो आगे का जो कवर है वो हमने निकाल लिया हूँ, और यहाँ पर देखेंगे जो वॉल्यूम है बिल्कुल टूट करके अलग हो चुका है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हम काम अभी करेंगे, इसकी जो वॉल्यूम है वो हम 10K का लगाएंगे, और 10K लगाने के बाद में हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि 100K और 10K में क्या फ़र्क है, क्यों नहीं लगाना चाहिए, और काम कैसे करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा, सारी चीज़ें दोस्तों हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है, और स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो फिर शायद दोस्तों कोई पार्ट अगर आपसे छूट जाए तो फिर आपको समझ में आएगी नहीं, और फिर आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्किप नहीं करना है, और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो के अंत में आप लोगों को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के तरफ से लाइक बहुत कम मिलते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों के बीच में देता रहता हूँ। तो यहाँ पे बेस का जो वॉल्यूम है इसे भी हमें चेंज कर लेना है। तो PCB दोस्तों में नहीं खोलेंगे, इसकी जो बैक साइड जो प्रिंट है आपको सोल्डिंग आयरन से उधर गर्म कर देना है, और इसकी जो क्लैंप है वॉल्यूम जो टाइट होती है सी आकार की क्लैंप है, उस क्लैंप को ही हम बाहर निकालना है मुझे। और यहाँ पे फटाफट से बेस की वॉल्यूम जो ख़राब है और मेन वॉल्यूम जो होती है मास्टर वॉल्यूम, उसे दोनों को हमें यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो दोस्तों, दोनों वॉल्यूम में जो 100K और 10K की है, तो दोनों को ऐसा एक मतलब आपको हम आपके सामने ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे, और दोनों को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आपको भी बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, और फिर कभी भी ये सवाल पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि हम 100K के जगह पर 10K लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो क्यों नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा 100K का है, और इसके पहले जो हमने हटाया था वो हमारी 10K की थी, ये हमारी बेस वाली वॉल्यूम है। तो बेस और ट्रेबल में 100K का ही यूज होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहला इसे हमें हटा लेना है और नया वॉल्यूम सेट करेंगे। तो आपको डायग्राम के माध्यम से भी हम बताएँगे, वीडियो के अंत में हम डायग्राम भी देंगे, और उसमें बिल्कुल आपको थ्योरी के माध्यम से भी बताएंगे कि क्यों नहीं काम कर सकती है दोनों एक जैसा। तो इसे हम फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक हमारा न्यू चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है जो कि जिसका नाम हमने रखा हुआ है आरके टेक्निकल गाइड। दोस्तों, उस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों चीज़ की जानकारियाँ दी जाती है, छोटी छोटी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की जानकारी दी जाती है, और इलेक्ट्रिकल में मोटर फैन जो भी मोटर हो दोस्तों, समरसिबल हो, ओपन वेल हो, टुलू पंप हो, या भी फराटा फैन हो, कोई भी फैन हो, सीलिंग फैन, सारी चीज़ की वाइंडिंग उसमें बताई जाती है। तो दोस्तों, उस चैनल को हमने नया क्रिएट किया हुआ है,
तो जा करके अगर आपने उस चैनल में विजिट नहीं किया है तो दोस्तों उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जा करके उसे देख सकते हैं और उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसे हमें फटाफट से लगाने के बाद में दोस्तों ये जो बार बार आपका वॉल्यूम जो आपका एम्पलीफायर में जो वॉल्यूम टूटता है दोस्तों ज़्यादा फोर्स करने से टूटता है। एक चीज़ इसमें हम आपका और भी तरीका बताएंगे कि बार बार आपका वॉल्यूम जो ख़राब होता है दोस्तों धूल गंदगी जमने के कारण ख़राब होती है। अगर आपका एम्पलीफायर में धूल गंदगी जमती है तो आपका एम्पलीफायर में आपको करना क्या है कि दोस्तों अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन का जो तेल होता है आप उस तेल को दो बूंद अपने वॉल्यूम में डाल भी सकते हैं। अगर खरखर खरखर की अगर आवाज़ आती है तो आप डाल सकते हैं, ये आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल चली जाएगी और आपका एम्पलीफायर फिर पहले के जैसी इसकी जो वॉल्यूम है वो काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमने तीनों वॉल्यूम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने दो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज किया हुआ है और एक ट्रेवल का जो वॉल्यूम है वो हमारा बिल्कुल वही उसी को हमने छोड़ा हुआ है। तो अब जो है सबसे पहला इस एम्पलीफायर को मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ और इसमें क्या अभी कमी है दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो हमने अभी इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे 100K और 10K में तो दोनों में क्या डिफरेंस आपके नज़र में आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है। तो यहाँ पर हम MP3 अपना चालू किए हुए हैं और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। दोस्तों आप केवल नीचे जो ट्रेवल वॉल्यूम है आप इसे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल करेंगे जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हम इसी ट्रेवल में ही करेंगे। तो अभी हम इसे पूरा वॉल्यूम कम करके रखा हुआ है ट्रेवल को, तो अब हम इसे बढ़ाना है और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ट्रेवल का जो टोन है उसे आपको नोटिस करना है। तो ये जो ट्रेवल है अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो कि इसमें ट्रेबल जो है कम और ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। तो अब इसके जगह पर अब हम 10K का वॉल्यूम लगा के देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है, जो कि अभी यहाँ पे इसमें जो ओरिजिनल लगा हुआ है 100K का, तो 100K के जगह पर हम अभी 10K का यूज़ करेंगे और दोनों का कंपेयर हमें करना है कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताएंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस कहां से होता है और 100K के जगह पे 10K क्यों नहीं लगाना चाहिए, वो सारी बातें हम आपको एक डायग्राम में ही बताएंगे। तो चलिए इसे फटाफट से हम खोल लेते हैं और दूसरा वॉल्यूम का हमने एक वायर के माध्यम से कनेक्शन भी करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही DJ एम्पलीफायर से रिलेटेड हर तरह की जानकारियां दोस्तों आप लोगों के बीच देता रहता हूं। तो मैं यहां पे 3 वायर लिया हुआ है जो कि कट पीस वायर है, देख सकते हैं यहां पे 2 येलो कलर की है और एक हमने रेड लिया हुआ है। तो दोनों येलो को हमने साइड साइड में कनेक्शन करके रखा हुआ है और रेड को हमने बीच यानी कि मेन पॉइंट आउटपुट के लिए कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम सही है इसीलिए हमें इसे खोलना ठीक नहीं समझा। मैं बाहर कनेक्शन करके ही आपको दिखाऊंगा और अगर वॉल्यूम ख़राब होता तो दोस्तों मैं यहाँ इस PCB में ही लगा के टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल सही है जिसके लिए मैं इसे वायरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों येलो को अपने वॉल्यूम की बाहर बाहर पिन में सोल्डिंग करना है और रेड को बीच में कर देंगे। तो कनेक्शन हमारा लगभग हो चुका है और एक बार आपको हम फिर से MP3 चला के दिखाएंगे यहाँ पे, और इस बार ट्रेबल वॉल्यूम का जो हमने कनेक्शन किया हुआ
इस वॉल्यूम पे और इसकी आवाज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या अंतर हुआ है दोनों में, जो पहले का वॉल्यूम था इसमें। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नया वॉल्यूम हमने लगाया हुआ है। इसमें कोई भी आवाज़ का फर्क नहीं पड़ा है। तो MP3 ख़त्म हो चुका है दोस्तों, फिर से मैं गाना प्ले करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो वॉल्यूम है कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 10K का जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें दोस्तों ट्रेबल जो है कुछ भी पहले का वॉल्यूम जैसा टोन नहीं मिला मुझे। तो ये फ़र्क हुआ है 100K और 10K में। तो दोस्तों, जब आपका जिस जगह पे अगर 100K का वॉल्यूम लगा हो तो उस जगह पर आप 10K का वॉल्यूम ना लगाएँ, नहीं तो फिर आपकी जो आवाज़ है कम हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सॉरी, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है तो मैं आपको थ्योरी के माध्यम से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है वो मैं कर लेता हूँ, और कनेक्शन करने के बाद मैं आपको एक कॉपी पेन अपने डायरी में इसकी डायग्राम बना के भी दिखाता हूँ और बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपना कॉपी और पेन निकाल लेता हूँ और कैमरे को मैं सेट भी कर लूँगा। तो उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको जो ओरिजिनल वॉल्यूम जो लगा हुआ है यहाँ पे 100K का, इसमें भी आपको एक बार मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें टोन कितनी बढ़ रही है। तो इसमें जो है 100K का जो वॉल्यूम लगा हुआ है तो इसमें ट्रेबल बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन जो हमने 10K का लगाया था उसमें अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो कैमरे को थोड़ी सी हम अपने डायरी में फोकस कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर इसमें से अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 10K का जो वॉल्यूम हमने लगाया हुआ था, ये हमारा 10K का वॉल्यूम है और इसके बाद जो इसमें लगा हुआ है ओरिजिनल में वो दोस्तों 100K का है। तो वॉल्यूम जो है एक रेजिस्टेंस के जैसी काम करती है, जो कि 100K में बहुत अच्छा काम कर रही थी वही 10K में काम नहीं कर रही थी। तो बेस और ट्रेबल में दोनों में 100K का ही यूज होता है और मेन वॉल्यूम में आपका 10K का लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो है 10K का जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये 10 किलो अगर आप हिंदी में से बात करेंगे तो ये 10 किलो होता है और 100K का मतलब 100 किलो। तो वॉल्यूम जो है एक तरह से रेजिस्टेंस का वर्क करती है। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो ये हमारा है 100K का और एक तरह से एक नंबर ये हुआ और ये हमारा 3 नंबर हुआ और बीच का जो है यानी कि ये आउटपुट है, बीच का फेस जो हमने अभी बनाएंगे ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी 2 नंबर। तो दोस्तों, एक नंबर आप अगर ग्राउंड कर देंगे तो 3 नंबर में हमारी ऑडियो इनपुट होगी और 2 नंबर में हमारी ऑडियो आउटपुट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये हमारा 100K की है और बीच में जो हमारी आउटपुट है ये हमारी, तो दोस्तों बीच वाली जो पिन है इसे हम जहाँ पे एडजस्ट करेंगे, बीच में हम जहाँ से एडजस्ट करेंगे अगर 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में 100K हमारी आती है और इसे जहाँ पे एडजस्ट करेंगे 1K 2K 3K इस तरह से 100K तक चली जाती है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये जो 10K है अगर आप एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो 0K से स्टार्ट होकर के 10K में जाके रुक जाती है और वहीं दोस्तों मेन वॉल्यूम इसकी जो 100K है ये 100K में जाके रुकती है। तो अगर आप 100K का जगह में अगर 10K लगाते हैं तो जो आपके वॉल्यूम है दोस्तों 10K में ही रुक जाती है और 90K जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, 90K इसमें ले नहीं पाती है जगह, जिसके कारण से आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाती है। ट्रेबल का जो टोन है 10K में ही रुक जाती है, एक तरह से इसे बैरियर भी बोल सकते हैं अपने वॉल्यूम को। तो इसी के कारण इसमें 90K जो है आपका कोई काम नहीं करता है दोस्तों, बिल्कुल
स्टॉप जैसा हो जाता है, जिसके कारण से दोनों में आवाज़ का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये है इसका फॉर्मूला। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।